कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। अब तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि किस पर यकीन करूं। इसलिए हम सिर्फ उसी पर यकीन कर सकते हैं जो हमने खुद देखा हो। मेरे पास तुम्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ही इस बात का फैसला करो कि इस सीढ़ी का क्या करना है। तुमने कहा था एक दिन के लिए भूल जाते हैं हम कौन हैं, इसलिए हम यहां आए थे। तुम्हें याद होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, हम भुला नहीं सके। ना वो दिन, ना ही उसके बाद की बात है। ये सब क्यों बोल रही हो तुम? मुझे अलविदा कहने का रायदा है क्या? असल में इसका फैसला तुम करोगे। मैं थक गई हूं सीसा, अब मुझसे ये सब और नहीं होता। झूठ बोलना, बातें छुपाना, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कुछ छुपा हो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया सुहान, लेकिन मैंने छुपाया है। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूं सीसा। प्रेग्नेंट हो और अबॉर्शन नहीं करवा? नहीं करा सकी। मालूम है कितनी तकलीफ दी है तुमने मुझे सुहा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरा कितना दिल दुखाया है।
जानती हूँ। यार अब छोड़ो, भूल जाओ सब। बस इतना बताओ कि तुम और ये बेबी ठीक है ना? हम ठीक हैं। कि अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए सुहान। इस बार कुछ भी फौरन नहीं होगा। इस बार हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। उससे पहले मैं कुछ देखना चाहती हूँ, कन्विंस होना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हो? तुम्हें बदलते हुए। मैं नहीं चाहती कि तुम पापा की तरह हो जाओ। मुझे पुराना सीजर चाहिए। अगर तुम अपना बदला भूल जाओगे, माँ के कातिल को, अपने अतीत को और आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी, ये सारी बातें अगर तुम भूल जाओगे तभी हम शादी कर सकते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? हमारे लिए ये कर सकते हो? ये मुझसे मत मांगो सुहान, बस ये नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? जब तक मेरी मॉम के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती, मैं कभी भी चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें क्या हक बनता है इस तरह से मेरे सामने शर्तें रखने का, जबकि तुम खुद इतने दिनों से मुझसे सिर्फ झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो सुहान? क्या हक बनता है तुम्हारा? जब तक तुम बदले के बारे में सोचते रहोगे तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये जानते हो ना तुम। हाल ही में तुम जिस सिचुएशन में थे उसके बारे में सोचो सीसा। इस सबका अंजाम क्या होगा क्या तुम नहीं जानते? हाँ सीसा, यही शर्त है मेरी, क्योंकि मैं ये सोचते हुए नहीं जी सकती कि तुम्हें कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। तुम बाप बनना चाहते हो या कातिल? फैसला कर लो। तुम कहां चली गई हो? मुझे फिक्र हो रही है। तुम जहां भी हो वहां से मुझे फोन करो, बस एक बार कॉल कर दो, मैं आ जाऊंगा।
क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? कातिल, कातिल, कातिल हो तुम! अपने खून किया है मेरे पापा का, क्यों किया ऐसे? क्यों मेरे पापा को मारा? क्यों? कुछ नहीं किया मैंने, क्यों मारूंगा मैं तुम्हारे पापा को? पता नहीं तुमसे किसने क्या कहा है, पर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो आप इनकार कर रहे हैं, इतना बड़ा जुर्म करके आप बेशर्मों की तरह इनकार कर रहे हैं। किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। सुहान, उसने मुझे वो सीडी दे दी। सुहान ने? हाँ, अब मैं ये सीडी प्रोसिक्यूशन ऑफिस ले जाऊंगी। आपका खेल खत्म, अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता मिस्टर दास। शिरेन, देखो जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। खामोश, एक लफ्ज भी और मत कहना। मेरे पापा ने जो भी कुछ किया उसकी सजा उन्हें मिल गई, अब बारी आपकी है। आपने आज तक जो भी गुनाह किए हैं उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी तासिम कोर्दाक। तुम चाहो तो इस बारे में और सोच लो, मुझे तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है। मैंने सोच लिया है, मुझे सिर्फ तुम और हमारा ये बच्चा चाहिए। सिर्फ ये सोचना ही काफी नहीं है सीसा, तुम्हें वाकई में सब भूलना होगा, तभी मैं कन्विंस हो पाऊंगी। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? क्या करना पड़ेगा तुम्हें कन्विंस करने के लिए? इससे कुछ होगा नहीं सुहान। एक बात बताओ, कब तक तुम मुझ पर नजर रखोगी? कब तक मुझ पर शक करती रहोगी तुम? आखिर कब तक? बस तब तक सीसा, जब तक मैं खुद ये महसूस नहीं कर लेती कि तुमने अपना पास्ट और उससे जुड़ी यादें पूरी तरह भुला दी हैं और वो हमारे बीच कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर समझ जाऊंगी सीसा। जिस दिन तुम पूरी तरह से बदल जाओगे, तुम्हारी आंखें खुद सब कुछ बता देंगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। और अगर तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा तो? अगर तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं हुआ तो? तो जाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। कहाँ जाओगे? अरे रुको, हे कहाँ जा रही हो? मुझे फार्म जाकर अपना सामान पैक करना है, अब वहां नहीं रहना। निशांतसी वाले घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी और मेरे साथ रहोगी? सीजा, शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो और मैं अपनी तरफ से तुम्हें पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आज के बाद हम साथ में रहेंगे और मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीजा, पहले तुम्हें मुझे... हाँ, तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा, यही ना? ठीक है, लेकिन कन्विंस होने के लिए तुम्हें मेरे साथ तो रहना पड़ेगा ना? किस वक्त मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है? अगर तुम मेरे साथ रहकर ये सारी बातें खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगी तो कैसे जान पाओगी? बोलो ना, बोलो। फिर से मुझे अपने से अलग मत करो सुहा, प्लीज।
हाँ बोलिए। हाँ मैं हूँ, कोल्हुदाग हॉस्पिटल से। हाँ मेरी मॉम है, क्या हुआ वहाँ, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी पहुँच रही हूँ। ठीक है सीज़ा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम साथ रहने में जल्दबाजी कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि देर हो गई है। तो सबसे पहले हम फार्म जाएंगे, वहां से तुम्हारा सामान लेंगे, उसके बाद तुम आज ही मेरे साथ शिफ्ट हो जाओगी, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करोगे? मैं थक गई हूँ इन सबसे सीज़ा, बहुत थक गई हूँ। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुम भरोसा रखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो अब चलते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, मेरी मॉम शरीन। हाँ नेकला, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। हाँ लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? मेरी मॉम यहाँ पर है। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर आराम से बैठो। ठीक, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। पानी पी लो, मैं पता कर आती हूँ कि हुआ क्या है। हाँ बोलो केमाल। शेरिन कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, मॉम को हुआ है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, रास्ते में फोन आया कि मॉम को हॉस्पिटल लाया गया है, तो मैं भागी भागी चली आई, फिर यहाँ नेकला मिल गई। वो पता करने गई है कि मॉम इस वक्त कहाँ पर है। ऊपर वाला करे सब कुछ ठीक हो। ठीक है ठीक है शेरिन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बहुत अजीब बात है, वो तो यहाँ पर आई ही नहीं है शरीन, ये कैसे हो सकता है? मुझे फोन आया था कि वो यहाँ पर है। मुझे नहीं पता शरीन, हो सकता किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा मजाक कौन करेगा? एक मिनट, मैं अभी उन्हें फोन करके पता करती हूँ, ऐसा मजाक कौन करता है। क्या हुआ? अचानक ऐसा लगा जैसे चक्कर आ रहा है, शायद घबराहट की वजह से। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बाथरूम किस तरफ है? ये पकड़ोगी प्लीज? मिस्टर दासन, क्या हुआ? मिस्टर तासन, आप काफी परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूं? कोई जरूरत नहीं। मिस्टर तासन, आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, कोई दिक्कत है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, चलो हटो यहां से। शरीन तुम ठीक हो? क्या कहूँ, पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। किसका फोन था? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। थैंक यू। तुम यही हो तो डॉक्टर को दिखा लो। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुमने कहा ना हो सकता है घबराहट की वजह से हो, मैं मॉम को फोन करती हूँ। हेलो केमाल, केमाल तुम यहाँ आ गए? ठीक है मैं आ रही हूँ, बस वहीं रुको। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया था मॉम। मैं ठीक हूँ मॉम, आप मेरी फिक्र मत करिए। ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ आप, तुम्हारी मॉम कैसी हैं? नहीं नहीं ठीक है, मैंने उनसे बात कर ली। मोबाइल पे किसी ने मेरे साथ मजाक किया था केमाल, मॉम तो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। पर ऐसा कोई क्यों करेगा? पता नहीं, मुझे तो घबराहट की वजह से चक्कर आने लगे। थैंक यू निकला, सॉरी मैंने तुम्हें फालतू में परेशान किया, जाओ अपना काम। नहीं कोई बात नहीं, गेट वेल। थैंक यू। शरीन जरा मुझे अपना फोन देना, देखूं किसने कॉल किया था, अभी बताता हूं उसे। अभी रहने दो केमाल, इससे ज्यादा जरूरी एक और काम है, हमें प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाना है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस पर क्यों?
तुम यहीं रुको, मैं सामान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुहान, तुम भूल रही हो, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और ज्यादा वजन नहीं उठा सकती हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम एक पल भी मुझसे दूर रहो। मतलब जहां जहां तुम रहोगी वहां वहां मैं, और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो तुम कह रही हो कि सुहान ने अपने हाथों से ये सीढ़ी तुम्हें दी? तो क्या करना चाहिए था उसे? आखिर वो सुहान के पापा हैं। सुहान ने वही किया जो एक अच्छा इंसान और एक अच्छी दोस्त करती है ऐसे मौके पर। अब ये सीढ़ी सीधा प्रोसिक्यूटर के पास जाएगी। आखिर सीढ़ी कहाँ गई? ये रही। इस सीढ़ी से प्रूव हो जाएगा कि तासिन कोल्लूदाग ने ही मेरे पापा को मारा है। मिस्टर तासिन, वो सुहान आई है, उसके साथ सीजर भी है। क्या सीजर यहाँ है? सुहान, सब पैक कर लिया ना? हम फिर से यहाँ नहीं आएंगे। सब पैक कर लिया है, जरूरत की हर चीज रख ली है। मेरे होते हुए तुम बैग उठाओगी? तुम छोड़ दो, मैं ले लेता हूँ। सुहान, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। सुहान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी। दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले सोच लेना सुहान। रखा तो क्या कर लोगे? बोलिए, सुन रहा हूं, क्या अर्जेंट बात करनी थी? मैं आपके लिए एक सबूत लाई हूं सर। मेरे पापा की मर्डर का सबूत। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा आलमदार ग्लू, तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। पापा, आप अपनी बेटी को बहुत पहले खो चुके हैं। मैं खुद इसके साथ जा रही हूं। सुहान, तुम इसके बहकावे में आ गई हो, अपने बाप से बगावत कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके लिए एक दिन पछताना पड़ेगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए, चलो सुहान। मिस्टर तासन, आप ठीक तो हैं? हटो, छोड़ो मुझे, चलो। मैं ये वीडियो पहले भी देख चुका हूँ, हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है। कैसे? क्या मतलब आपने देखा हुआ है? कहाँ मिला आपको? देखिए, अगर आप इसे सबूत के तौर पर लाई हैं तो आप खुद देख सकती हैं कि ये वीडियो मेरे पास पहले से है। I'm so sorry, पर ये वो सीढ़ी नहीं है जो मुझे आपको देनी थी। आपने मुझे जो सीढ़ी दी आपके सामने, मैंने वही सीढ़ी लगाई। पर मैंने तासिन कोल्लूदाग ने मारा है मेरे पापा को। मैंने खुद वो वीडियो देखा है। अगर आपके पास उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत है तो उसे ढूंढिए और फौरन लेकर आइए। ये सबूत पूरा केस पलट देगा, लेकिन बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। Thank you.
हुआ कैसे? कि मान मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं सोच सोच के पागल हो गई हूँ कि वो सीडी मेरे बैग से आखिर गई कहाँ। मैंने खुद अपने हाथों से उसे बैग में रखा था। हेलो रिजा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नीला अभी हॉस्पिटल में नर्स है? जी अभी भी है। बहुत बढ़िया, मुझे उसे एक छोटा सा काम है। हाँ बोलो तुरान। हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मुझसे काम है। कैसा काम? क्या मेरी बात मिस सरीन से हो रही है? देखिए मैं कोलुदाग हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, आपकी माँ रेहान यहाँ एडमिट हुई हैं। जरूर वो सीडी उसके बैग में होगी। अगर वो बेवकूफ नहीं है तो ऐसी चीज गाड़ी में नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम फिर भी उसकी गाड़ी चेक करना मत भूलना। ठीक है। पानी पी लो, मैं पता करके आती हूँ। गाड़ी में नहीं है भाई। मैं जानता था वो लड़की बेवकूफ नहीं है। उम्मीद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी स्मार्ट होगी और वो ये कर पाएगी। तो कमाल कर दिया, क्या बात है। मैं सब में नहीं फंसूंगी ना। अरे नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। क्या है उस सीडी में? इस बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ आज शाम किसी अच्छे होटल में डिनर करने चलेंगे। दाग, आपका काम हो गया, मैंने फिर से आपको बचा लिया। इतनी बार कि अब तो गिनती करना भी भूल गया हूं। और आपको तो मालूम होगा कि हर मदद की कुछ कीमत होती है। शरीन अच्छे से याद करो, तुम कहां कहां गई थी? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं घर से निकलकर सबसे पहले मिस्टर तासन के पास गई, फिर मुझे फोन आया और मैं हॉस्पिटल चली गई, और फिर तुम आ गए और हम साथ साथ प्रोसिक्यूशन ऑफिस गए। वहाँ नहीं है, कितनी बार देखोगी? मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, जो सीडी मुझे सुहान ने दी थी उसमें तो ये सब था ही नहीं। केमाल, हाँ? मेरे जहन में एक बात आ रही है पर मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन कोई और हो भी नहीं सकता। किसकी बात कर रही हो?
घर में आपका स्वागत है मैडम। आलमदार फार्म और मैं आपकी सर्विस में मौजूद रहेंगे। वेलकम छोटे। ये देखो तुम्हारा घर कैसा है, और मैं तुम्हारा पापा। बस कुछ ही दिनों में हम साथ होंगे। सीजर, वो अभी हमारे बीच कुछ तय नहीं हुआ है। तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारे इम्तिहान का दौर चल रहा है। हाँ पता है, और मुझे यकीन है कि मैं इसमें पास भी हो जाऊंगा। तुम्हें बार बार मुझे इस तरह से याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये शरीन और कमाल नहीं दिख रहे। प्रोसिक्यूटर के ऑफिस गए होंगे। देखो, तुमने वही किया जो सही था, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शरीन, सीरी दे दी तुमने? मैं नहीं दे सकती। अरे मिस्टर रिजा, आइए आइए। तासिन घर पर है? तासिन? अच्छा, तो अब मिस्टर तासिन तासिन हो गए तुम्हारे लिए। शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार कितना बेइज्जत करके निकाला गया था तुम्हें। बोलिया, क्या तासिन घर पर है? हाँ घर पे ही है। अब बताओ तुम्हारी क्या खबर है? तासिन का दिल जीतने में कामयाब हुई या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। ऐसे ही लगी रहो, बच्चे का यूज करो। बच्चे का मतलब होता है हमदर्दी। कभी कभी बच्चे को खुद रुलाकर उसे दिया करो, और जब वो चुप हो जाए तो बोला करो कि आपको अपना पापा समझ के ये चुप हो गया। क्या अब ये भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें? हाँ एक बात और, फौरन यहाँ से गायब हो जाओ और हमारी बातें मत सुनना। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगी? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सुहान नहीं है? नहीं, वो ये घर छोड़कर सीजर के साथ चली गई। अब हम क्या करेंगे? बस वही एक कॉपी थी, और तुमको वो सीडी देने के बाद मैंने वो कंप्यूटर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। सुहान के साथ रहने का फैसला लेने के बाद मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। भाई आपको क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? असल में गलती मेरी ही है। मैं मिस्टर तासिन को चैलेंज करने गई थी, खुद पर काबू ही नहीं रख सकी। जरूर ये पापा ने करवाया होगा, पर कैसे? वैसे मैं ये गैस कर सकती हूँ कि वो सीडी किसने निकाली होगी। नेकला। नेकला? जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने उसे अपना बैग दिया था, पर वो ऐसा क्यों करेगी? और उसे क्या पता था? मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहती। वो लड़की नेकला मिसेस अदालत की असिस्टेंट है ना? शायद कोर्लुदाग ने उसे ऐसा कहा हो, और उस लड़की को पता ही ना हो कि उस सीडी में आखिर है क्या। तुम यहीं रुको, मैं दो मिनट में आता हूँ। सुनिए भाई, आप रहने दीजिए, हमने उससे बात कर ली है। तुमने क्या बात की उससे? निकला, वॉशरूम जाते वक्त मैंने तुम्हें अपना बैग दिया था ना, कहीं उसमें से कोई सीडी तो नहीं गिरी? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? नहीं, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मुझे पता चल जाता। वैसे भी दो मिनट के लिए ही तो पकड़ा था। दरअसल बात कुछ ऐसी है निकला, कि मेरे बैग में एक सीडी रखी हुई थी, और अचानक उसकी जगह कोई दूसरी सीडी आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ।
तुम आखिर कहना क्या चाहती हो शिरीन? तुम्हारा मतलब मैंने वो सीडी निकाली है, पर मैं करूंगी क्या तुम्हारी सीडी का? ठीक है, पता नहीं वो सीडी कहां गई, शायद हवा में गुम हो गई। फिक्र मत करो शिरीन, पापा को इसकी सजा जरूर मिलेगी, बल्कि मिलना शुरू हो गई है। केमल, जरा मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। इसी वजह से तुम मुझसे दूर भाग रही थी ना? सच जानते हुए तुम्हारे सामने कैसे आती शिरीन? सब कुछ जान लेने के बाद बस ऐसे ही बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुहान। प्रोसिक्यूटर ने साफ साफ कहा कि बिना सबूत के वो कुछ नहीं करेंगे। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सुहान। मेरी मॉम को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वो शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, पागल हो जाएंगी। अच्छा ये उन्हें ना पता चले कि उनके हस्बैंड का कातिल हमेशा आजाद घूमेगा। मुझे माफ कर दो शरीन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी गलती है क्या? मैं जानती हूँ, लेकिन शायद पापा के जुर्मों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है सुहान, हम क्या कर सकते हैं? पापा, उन्होंने भी सुहान, उन्होंने भी सीजा की मॉम को, पर क्या कर सकते हैं, किस्मत ने उन्हें हमारा पापा बनाया। पर हमने एक दूसरे को खुद चुना है। हम दुश्मन भी हो सकते थे, पर दुश्मनी की जगह हमने दोस्ती को चुना और आज हम दोनों बहनों की तरह रह रहे हैं। उनके किए गुनाह हमें एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, हम हमेशा साथ रहेंगे। बस भी करो सो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। भाई मेरे ख्याल में ये रजा का काम है, ये वही कर सकता है। मुमकिन है, हो सकता है कि वो कोरलो दाग को इस सीढ़ी से ब्लैकमेल कर रहा हो, पर उसे जेल भेज के कोई फायदा नहीं। तो भाई इंतजार किस बात का, चल के रजा से ही इस बारे में पूछ लेते हैं। अब नहीं केमाल, अब नहीं। मैंने सुहान से वादा किया है, अब नहीं। जैसा कि मैंने फोन पर कहा था, हर मदद की कोई ना कोई कीमत होती है बहनोई साहब। और क्या चाहिए तुम्हें, जितना दिया काफी नहीं है? हद करते हो, क्या हम रिश्तेदार नहीं है? तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बाय द वे, अदालत की कोई खबर मिली क्या तुम्हें? नहीं। तो क्या तुम्हें कॉल नहीं किया उसने? तुम अदालत की फिक्र मुझ पर छोड़ दो, ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, आपका फार्म हाउस। क्या क्या कहा? बेशरम इंसान, तुम्हारा दिमाग क्या पूरी तरह से खराब हो गया है? फार्म हाउस चाहिए तुम्हें? किसी हाल में नहीं दूंगा मैं ये। अरे जरा रुकिए तो, ऐसे ना मत कहिए, सोचिए तो। हा? आप अब इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, आपको एक छोटा घर लेना चाहिए, अकेलापन थोड़ा कम होगा। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा रजा। पहले ही बीमार हो, कितनी उम्र बाकी है, मरने ही वाले हो तुम। पर अब भी खुद से ज्यादा तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र है, कुछ तो ख्याल करो। तुम्हें ये बात कैसे पता चली है? मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ भी नहीं जानते तुम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने बस एक खेल खेला था सुहान को अपने पास रोकने के लिए, झूठ बोला था मैंने। वाह वाह, अब जाके समझ में आया कि सुहान ने ये सब क्यों किया।
पता है मैं हर तरह से तैयार था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मैं तो सच में बिल्कुल हैरान रह गया। वो आदमी कोर्लुदाग इंसान है या नहीं, वो वाकई मेरी सोच से कहीं आगे है। तुमने इसे गुड न्यूज दी? क्या हुआ, कैसी न्यूज? मैं डैड बनने वाला हूं कुरहान। सच में कुरहान, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे माफ करना, वो अबॉर्शन के बारे में मैंने झूठ बोला था। मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? मैं मामा बनने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशंस, दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस सुहान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। पहले टेस्ट तो करो, फिर बताना टेस्टी है या नहीं। मुझे इन हाथों पे पूरा भरोसा है। मिस्टर तासन क्या कर रहे हैं? खाना वाकई बहुत टेस्टी है, कभी कभी ऐसा खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। फिर तो अच्छा है। क्यों सुहान? ये जाओ मिसेस अदालत के नाम। हम सब की तरफ से ये जाम अदालत के नाम। होलिया। हाँ मिस्टर तासन। यहाँ आओ। बताइए मिस्टर तासन। यहाँ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मैं बस अपनी प्लेट लेकर आती हूँ।